लिहाजा ये चार मिसरे फखरी मेरठी की याद आ रहे हैं मुझे। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने दरबार शाम की बात की, कबला ने कि अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रुबा हर शेर की बातें तो क्या होता, अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रुबा हर शेर की बातें तो क्या होता, कि जब एक बीमार के आने से थोड़ा सा एक मिनट के लिए खाली बोल दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम से कम एक शायर द्वारा उसके लिए बोल दे, लेकिन अरे हैदरी शेर भी नहीं पढ़ना, मैं गुजारे गुजार हूँ, रब का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं, खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं, गुरबत की तेज धूप से बचने के वास्ते घर में पढ़ो हदीस के सा और कुछ नहीं। मौला ने देखे दौलत और माले शायरी, पूछा सफर से और कुछ, मैंने कहा और कुछ नहीं। आइए मोहतरम जनाबे जफर आजमी साहब आपकी समातों के हवाले, पूरी दुनिया में आपके जिले की नुमाइंदगी करने वाला शायर आपके सामने आपके रूबरू, नारे सलवात। हजरत ये जनाब जफर आजमी साहब का तो मकाम नहीं है, मकाम नहीं था, मगर ये है कि जनाब जफर आजमी साहब माइक पे पढ़ेंगे, जनाब जफर आजमी साहब पढ़ेंगे इसको, जनाब जफर आजमी साहब माइक पर हैं, मैं उनके इस्तकबाल में चार मिसाल करता हूँ कि मुँह सलीके से खोलना सीखा, बात को अपनी तोड़ना सीखा। जनाब जफर आजमी साहब पूरी दुनिया में जा रहे हैं, मुँह सलीके से खोलना सीखा, बात को अपनी तोड़ना सीखा, वारिस नहजे मीसमी है हम, हमसे दुनिया ने बोलना सीखा। जनाब जफर आजमी साहब मोमिनीन सलामुन अलैकुम। आज के जश्न की मुबारकबाद आप तमाम हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मोमिनीन बड़ी माजरत के साथ, शमीम भाई बड़ी माजरत है आपसे, तमाम अहले वतन से, अपने वतन वालों के दरमियान पढ़ने का लुत्फ और मज़ा कुछ और होता है। मौला तमाम हजरात को सलामत रखें। अब मेहमान हजरात तशरीफ रखते हैं, उन्हें समाज फरमाइएगा, बस बहुत जल्दी आपके दरमियान से हट जाऊंगा, इसलिए कि मुसलसल सफ़र है, रातों में जागना, दिन में सफ़र करना, और माइक भी माशाल्लाह से बहुत खूब और काफ़ी भी महफिलें हैं सामने, लिहाजा बस जैसे पढ़ना चाहता हूँ वैसे शायद ना पढ़ पाऊँ, मगर आपकी मोहब्बतों पर पूरा यकीन है, थोड़ी देर मेरे साथ हो लें, अगर मेरा हक है आप पर तो थोड़ा सा मेरे साथ हो लें, एक सलवात पढ़े हुए मतलब तारीख का ख्याल रखते हुए बहरहाल मिला तो फरमाया सर भाई नापाक थे खुदा का कभी घर नहीं हुआ, नापाक थे खुदा का कभी घर नहीं हुआ, फिर उसमें कब्ज़े बुते आज़र नहीं, फिर उसमें कब्ज़े बुते आज़र उसमें फिर कोई कुदरत का शाहकार आया ना, उसमें फिर कभी कुदरत का शाहकार, अरे काबे में फिर किसी के लिए दर नहीं हुआ, काबे में फिर किसी के लिए दर नहीं हुआ, काबे में फिर
तो ये हज़रात मैं चाहता हूँ कि एक कलाम अभी 3 रोज़ पहले छपरा में हुआ था। अब्बास की आँखों से अली देख रहे हैं, ये मिसरा था, मैं चाहता हूँ पेश करूँ। अब्बास की आँखों से अली देख रहे हैं, देख रहे हैं रदीफ़, अगर रदीफ़ का लुत्फ़ आए आ जाए वाकई तो बोलिएगा, मुलादा फरमाए, अहले इल्म तशरीफ़ फरमाए। पेश करता हूँ अब्बास की नज़र से अली देख रहे हैं, मतलब पेश करता हूँ, बड़ा ही खूबसूरत मतलब पेश कर रहा हूँ, अगर आप हजरात बेदार हैं तो लुत्फ आएगा। मुलादा फरमाए असगर भाई, हम फैसले हुर्रे जरी देख रहे हैं, हम फैसले हुर्रे जरी सिमटी हुई लम्हों में सदी देख रहे, सिमटी हुई लम्हों में सदी देख रहे हैं, सिमटी हुई लम्हों में वो अपने वो अपने गिरेबान में कभी झांक के देखे, जो दूसरे लोगों में कमी देख रहे हैं, जो दूसरे लोगों ये शेर मुलादा फरमाए, पढ़ा नहीं जा रहा कसम खुदा की, बहुत तबीयत जो है वो अजीब हो रही है, मगर आपकी मोहब्बत के सहारे पढ़ रहा हूँ। ज़रा एक शेर पेश करना चाहता हूँ सरकार, देखिए किसी काबिल हो तो मुलादा फरमाए। जो दूसरे लोगों में कमी देख रहे हैं, अरे फुर्सत जो फुर्सत जो मिली देखेंगे, सूरज के उजाले, भाई सानी मिश्रा, सूरज के उजाले, फुर्सत जो मिली देखेंगे, सूरज के उजाले हम जौन के चेहरे को अभी देख रहे। नबी के नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी के नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, उन्हीं के नाम के जरिए मेरा हर काम होता है, उन्हीं के नाम के जरिए मेरा हर काम होता है। मैं बीमार मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। नारे फुर्सत जो मिली देखेंगे, सूरज के उजाले हम जौन के चेहरे को अभी देख रहे हैं। और मौला अब्बास के चाहने वाले शेर मुलायम फरमाए, अब्बास तमन्नाए विगा में सरे मैदान, हसन इमाम भाई, अब्बास तमन्नाए विगा में सरे मैदान, अब्बास
खुद को कभी शमशीर कभी देख रहे, खुद को कभी शमशीर कभी देख रहे हैं, अब प्यास अब प्यास पानी की हुकूमत न चलेगी। अरे अब्बास है कारत से नदी देख रहे, बहुत अच्छा है बाबा। अब्बास है कारत से नदी देख रहे हैं, अब्बास है कार। हज़रात एक पैगाम, जो मजलिसे शब्बीर में करते हैं सियासत, जो मजलिसे शब्बीर में करते हैं सियासत, अरे पर्दे से उन्हें रब के वली देख रहे हैं, पर्दे से उन्हें रब के। और हज़रात ये शेर मुझे बहुत पसंद है, मौलाना फरमाए के अब्बास तेरे चुल्लू के पानी में बसद नाज, अलैहिं तशरीफ फरमा है, अब्बास सानी मिसरा अगर लग गया हो तो खुदा के वास्ते बोलिएगा मौला सलामत के आप तमामी हजरात को, अलैहिं तशरीफ फरमा। शमीम भाई कायम भाई जरा सा मुलाहरा फरमाए कि अब्बास सदनाज, हम प्यास की बारात सजी देख रहे, हम प्यास की बारात सजी देख रहे हैं। और एक शेर और मेरा दिल कह रहा पढ़ दूँ, ये आखिरी है तो 20-25 शेर हैं मगर ये आखिरी शेर, हम प्यास की बारात सजी देख रहे हैं, तफसीर है ये आए कुरान अतश की, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, कुरान अतश का जवाब नहीं है, तफसीर है ये आए कुरान अतश की, एक मश्क जो परचम में बंधी दे, सलामत रखे आप। बड़ी मोहब्बत नवाजिश मौला सलामत रखे। तफसीर है ये आए
عرش کی ایک مشق جو پرچم میں بندھی دیکھ رہے شکریہ شکریہ صادق بھائی ایک مشق جو پرچم میں اب حضرات یہ مقطع جو حضرات ابھی تک بیدار نہیں ہوئی ہیں مقطع میں پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کی طرف سے دیکھیں لفظوں کی نشست اور برخاست کو شاعری کہتے ہیں اگر بات بن گئی ہو تو خاموش نہ رہے گا مقطع پیش کرو میں نے سب شعر چھوڑ دیے ایک پیاس کی بارات سجی دیکھ رہے ہیں مقطع بطور خاص ارے پھر کیوں ہو ظفر فکر مجھے روز جزا کی تمام مولویوں کی طرف سے یہ شعر میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے محسوس کرے دعاؤں سے نوازتے ہیں سرکار پھر فکر ظفر کیا ہو مجھے روز جزا کی جب میری طرف بارا علی ارے سلامت رہیں بھائی آپ حضرات سلامت رہیں بھائی مولا سلامت رکھے آپ نے محسوس کیا پھر کیوں ہو ظفر فکر مجھے روز جزا کی جب میری طرف بارا علی دیکھ رہے ہیں جب میری طرف بارا علی دیکھ رہے ہیں جب میری طرف بارا نعرہ صلوات حضرات بڑی معذرت کے ساتھ ایک مطلب دو تین شعر آج کی تاریخ کی مناسبت سے پڑھنا بہت ضروری ہے ملارہ فرمائے مگر اس عقیدے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ حضرات مندوز ہوں گے بس سکون سے سن لیں اگر شعر پسند نہ جائے تو تھوڑا سا حوصلہ دے دیں سنیں مگر توجہ کے ساتھ سنیں ملارہ فرمائے پیش کرتا ہوں نجف سے آئی ہے پیغام یہ سبا لے کر نجف سے آئی ہے نجف علی آ گئے دوا لے کر بھائی جشن مولا کائنات میں آپ حضرات شریک ہیں شرکت کا حق ادا کرنا لازمی ہے ہر ایک مرض کی علی آ گئے دوا لے کر حسن مطلب پیش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کتنے بیدار ہیں میں نے معمولہ نظم کیا ہے اگر محسوس کر لیں دعاؤں سنوا دیں اہل علم اہل ادب سے خاص حسن مطلب پہ توجہ چاہوں گا شمیم بھائی اور آپ کی خاص کر دعا ملہرہ فرمائیں ہر ایک مرض کی علی آ گئے دوا لے کر قبلہ چلی
है बिलते असद लब पाप लब पाप ये दुआ लेकर खुदाया अपना मका अब मेरे हवाले कर। अरे भाई सद लब पाप ये दुआ लेकर खुदाया अपना मका अब मेरे हवाले कर खुदाया अपना अरे ये कौन आया कमालात किबरिया लेकर ये कौन आया कमालात किबरिया लेकर ये कौन आया कमालात किबरिया लेकर। और हजरात मोमिनीन शेर पेश करता हूँ, मुलाना फरमाए मौला सलामत रखे, मुलाना फरमाए शेर पेश करता हूँ मैं काट काट के इसलिए ताखिर हो रही है। ये कौन आया अब एक शेर पेश करता हूँ मुलाना फरमाए दरे जाइए जाइए दरे अली की तरफ जाइए जरूर मगर अरे अमल का अपने बाहर गाम जाए जाले कर बाहर बाहर दरे अली की तरफ जाइए जरूर मगर अमल का अपने बाहर गाम जायदा लेकर अमल का हर गाम जायजा ले अरे ये किस का तख्त सुलेमान तवाफ करता है ये किस का तख्त सुले कौन ये बैठा है बोरिया देखिए हजरात मैं हार्ट पेशेंट हूँ, दो दो मेरे ओपन हार्ट सर्जरी हो चुके हैं और ये तरन्नुम से पढ़ना लंबा मिसरा होता है और कभी कभी कोई तकलीफ़ हो जाती है तो लफ्ज़ें इधर की उधर हो जाती है, उस पर तवज्जो नहीं करना चाहिए।
समझे आप, ये हादसा होता है। यही कमाल है कि आप पढ़ रहे हैं, बोलो सलामत रखे। ये किस का तख्त है, खुदा की कसम इसके बाद तारीखी शेर पेश करूंगा, और इस यकीन के साथ कि अगर मौला का चाहने वाला है कोई तो खामोश नहीं रहेगा, पूरे नौजवानों के लिए वो पैगाम है। ये इसके बाद जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह जहनों में महफूज रहेगा, इस यकीन और इस अकीदे के साथ पेश करूँगा। मुलायम फरमाए पूरी तवज्जो नौजवानों, नौजवानों मैसेज है तुम्हारे मौला का, तुम्हारे पास पेश करता हूँ मैं शेर की शक्ल में। मुलारा फरमाने, मुलारा जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ है मुलारा फरमाए, मैं शेर पेश करता हूँ। ये किस का तख्त सुलेमान तवाफ करता है, अरे जमीन पक्का बैठा ये बोरिया लेकर, जमीन पर कौन ये। अब ये शेर पेश करता हूँ नौजवानों, मौला सलामत रखे। तलाश रिज़्क में निकले हैं यूं भाई, इस्तकबाल करें शेर का। तलाश रिज़्क में निकले हैं यूं अली घर से, खुदाई हाथ में कांधों पर बेलचा। मिल के बोले, मिल के सितारा टूट कर बोला, नारे मिल के बोला है। कांधों पर बेल चाले कर खुदाई हाथ में। तीन आखिरी के शेर मुलारा फरमाए। कांधों पर बेल चाले कर, खान साहब बड़े खामोश क्यों हैं, बोलिए, सुकूत तोड़िए, शेर पेश करता हूँ। बुलंदिया मेरे कदमों पर सर झुकाए हैं, ये आपके लिए शेर है, पढ़ रहा हूं मैं। बुलंदिया मेरे कदमों पर सर झुका, अब्बा से बावफा लेकर। बोलिए भाई, आगे बैठे हैं तो हक अदा करिए। खड़ा हूँ पर चमे अब्बा से बावफा लेकर, और तमाम मौला के चाहने वालों की तरफ से अकीदे का ये शेर। अब इस पर भी कोई खामोश रहा तो बस मैं क्या कर सकता हूँ। मुलायम फरमाए। अरे गमे हुसैन है दिल में
کفن میں خاک شفا سرکار بھائی ارے بھائی مظاہر صاحب غم حسین ہے دل میں کفن میں خاک شفا ارے لہد میں آیا ہوں میں پوری کربلا لے لہد میں آیا ہوں میں پوری کربلا لے کر لہد میں آیا ہوں مقتا ملا فرمائے نہیں چلا ہوں گھر سے ظفر ماں کی میں دعا لے گئے چلا مودت بات کرتی ہے عقیدہ بات کرتا ہے مودت بات کرتی ہے عقیدہ بات کرتا ہے علی کے چاہنے والوں سے کعبہ بات کرتا ہے علی کے چاہنے والوں سے کعبہ بات کرتا ہے تکیہ لاکھوں حیدر کی الفت چھپ نہیں سکتی زبان خاموش رہتی ہے تو چہرہ بات کرتا ہے نعرہ حیدر حیدر بابا جے بلند نعرہ سلوان تلاش رزق میں نکلے ہیں یوں علی گھر سے خدائی ہاتھ میں کاندھوں پہ بیلچہ لے کر خدائی ہاتھ میں یہ کس کا تخت سلیمان طواف کرتا ہے زمین پر کون یہ بیٹھا ہے بوریا لے کر زمین پر کون ذرا سا بھی حادثوں کا مجھے چلا ہوں گھر سے ظفر ماں کی میں دعا لے کر چلا ہوں گھر بہت اچھا ظفر بھائی صاحب جی میں کوئی نظامت نہیں کوئی تنقید نہیں